मुंबई में 40% लोगों के बीमार होने की वजह है नींद न पूरा होना। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल ने अपने एक सर्वे में बताया है कि मुंबई में लोग भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से पूरी नींद नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनको तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तनाव से भरे ये चेहरे रफ्तार भरी जिंदगी में खो जाते हैं। काम के बाद थकान और फिर पूरी नींद ना ले पाना, जिससे पैदा हो जाती हैं तमाम बीमारियां। जी हां, मुंबई में करीब 1.5 करोड़ की आबादी है, जिनमें से लगभग 40% लोगों में तमाम तरह की बीमारियां इसी वजह से हैं, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल ने अपने एक सर्वे में बताया है कि करीब 700 लोगों का उनके अस्पताल में इलाज किया गया, जो नींद ना पूरे होने की वजह से बीमार हुए थे, जिसमें से अधिकतर लोग दिल की बड़ी बीमारियों का शिकार भी हुए हैं। If you think of it, that comes to about 25 years of sleep in the average lifetime, and yet we know very little about this state. So a study at the Hinduja Hospital, which we conducted a few years ago, on about 700 normal healthy people, apparently healthy and normal, coming in for a routine check. डॉक्टरों की माने तो उनके स्लीप स्ट्रेस टेस्ट में ये पता चलता है कि बीपी, डायबिटीज, फेफड़े समेत दिल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, लेकिन परिणाम यही निकलता है कि शरीर में जो भी कमियां हैं, ज्यादातर नींद ना पूरी होने की वजह से हैं। मुंबई में हालत ये है कि लोग अब नींद के मास्क को पहनकर सोते हैं। स्ट्रेस टेस्ट में हम लोग एफर्ट टॉलरेंस देखते हैं। एफर्ट टॉलरेंस यानी लाइफस्टाइल में तनाव के वजह से जितना भी आपको ईसीजी में चेंजेस दिखेंगे, उसके हिसाब से आगे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। दिल और दिमाग के चुस्त दुरुस्त होने के लिए डॉक्टर 7 से 8 घंटे की नींद की सलाह देते हैं, लेकिन मुंबई में आमतौर पर लोग 4 से 5 घंटे ही सो पाते हैं। ऐसे में जाहिर है कि मुंबई में रहने वाले लोगों के शरीर में तमाम बीमारियां फैलती जा रही हैं, और इनकी उम्र दूसरे शहर में रहने वालों के बजाय कम होती जा रही है। मोबाइल लाइव में आज बस इतना ही। आगे देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर।